हेलो नमस्कार मैं विटू तो जायसवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल कैटलिस्ट आप एजुकेशनल कैंपस में दोस्तों अभी हम लोग देख रहे हैं क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर नंबर दस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन वेलफेयर अब यहां पर जो है हम लोग नाइन्थ तक क्वेश्चन आंसर कर चुके थे अभी जो है टेंथ से स्टार्ट करेंगे तो दसवा नंबर क्वेश्चन है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ऑल्सो बी यूज टू रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड हाउ विल दिस बी एक एक्सप्लेन तो इसका आंसर लिखिएगा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इज अ मेजर कॉज ऑफ कंसर्न टूडे द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इज इम्पोर्टेंट फॉर दिस पॉल्यूशन बायोफर्टिलाइजर्स आर ए टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म डेट इंक्रीज द न्यूट्रिय क्वालिटी ऑफ द सोयल the main source of biofertilizers are bacteria fungi and uh, fungi and cyanobacteria we have already read about the nodules located on the roots of the leguminous plants these nodules are formed by the symbiotic relationship of rhizobium these bacteria stabilize atmospheric nitrogen and convert it into the functional form Plants, plants use, it, uh, use it as nutrients. Other bacteria, that means a, a and a live in free state in the soil. They can also stabilize atmospheric in nitrogen. In this way, nitrogen increases the soil, fungi, uh, fungi form symbiotic relationship with plants. प्लांट इन सच ए एसोसिएशन शो मेनी अदर एडवांटेजेज सच एज रेसिस्टेंस एंड टू रूट पैथोजेंस टू टोलरेंस ठीक है टोलरेंस टू सर्टनिटी एंड ड्रॉथ इंक्रीज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट साइनोबैक्टीरिया आर ऑटोट्रोपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाइल्डलीफ इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट मेनी ऑफ द मेनी ऑफ दीज कैन फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन बायो कंट्रोल इज द यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड टू कंट्रोल प्लांट्स डिजीज एंड पेस्ट्स इन मॉडर्न सोसाइटी दीज प्रॉब्लम्स आर कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड दिज केमिकल्स आर एक्सट्रीमली टॉक्सिक एंड हार्मफुल टू ह्यूमन्स एंड एनिमल्स दे पोल्यूट द इन्वायरमेंट दैट इज सोयल ग्राउंड वाटर एंड ऑल्सो हैव हार्मफुल इफेक्ट ऑन फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड क्रॉप्स हर्बी साइड आर यूज टू रिमूव वीड्स दिज ऑल्सो पोल्यूट आवर सोइल द बैक्टीरिया बेसलस थ्रेनजिस इज यूज फॉर बटरफ्लाई कैटरपिलर कंट्रोल वैक्यूवायरस या वैक्यूलो वायरस होगा ठीक है। आर पैथोजंस दैट अटैक इंसेक्ट्स एंड एंथ्रोपोट न्यूक्लियो न्यूक्लियो वायरसेस यानी हैव यू हैोन टू बी एन आइडियल कैंडिडेट फॉर एस्पेसिस स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड ट्रीटमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक थ्री सैंपल्स ऑफ वाटर वन इज रिवर वाटर द अदर इज untreated sewage water and third is secondary effluent from a sewage treatment plant label these three samples as a b c the laboratory staff does not know which, a, which is uh, which is whom the recorded, the recorded bod of these three samples a b and c is 20 mg per liter 8 mg per liter and 400 mg per liter, respectively. Which of these sample is the most polluted? Uh, keeping in view that uh, the fact is that river water is relatively clear, cleaner, can you use the correct level? Is cancel BOD refers to amount of oxygen consumed by bacteria to oxidize the organic matter present in one liter of water. सीवेज इज ट्रीटेड टिल द बी ओडी डिक्रीजेज द बी ओ डी टेस्ट मेजर्स द रेट ऑफ ऑक्सीजन अपटेक बाय माइक्रो ऑर्गेनिज इन वाटर सैंपल। सो इनडायरेक्टली बी ओ डी इज मेजर मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रजेंट इन वाटर वैन द बी ओ डी ऑफ वेस्ट वाटर इज हाई देन इट्स पॉल्यूशन पोटेंशियल विल ऑल्सो बी हाई out of the three water samples given the bod of water uh, bod of river water is 20 mg per liter the bod of untreated sewage water is 8 mg the bod of secondary <laughs> effluent water is 400 mg per liter the correct level is follow first sample river water clean water सेकेंडरी फ्लुए ट्रीटेड सीवेज एंड थर्ड इज सिंपल सेकेंडरी अनट्रीटेड डेट मीस सीवेज वाटर नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द माइक्रो ऑर्गेज फॉर्म फ्रॉम विच इज साइक्लोस्पोरिन ए डेट मीन इम्यूनोसप्रेसीव ड्रग्स एंड स्टेटिन्स डेट मीन ब्लड कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसिंग एजेंट आर ऑप्टेंड तो इसका आंसर लिखिएगा साइक्लोस्पोरिन ए विच इज यूज इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट एज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम ए ड्रग्स फ्रॉम ए फंगस कॉल ट्राइकोडर्मा पोली स्पोरम दिस अस्टेंट प्रोड्यूस फ्रॉम ए मोनास्कस परियस इस्ट इज यूज टू यूज कमर्शियली एज ए ब्लड कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन द फ्लोइंग एंड डिस्कस विद टीचर। फर्स्ट इज सिंगल सेल प्रोटीन दैट मींस एस सी पी एंड इज बी तो फर्स्ट का आंसर लिखिएगा यानी एस सी पी सिंगल सेल प्रोटीन का सिंगल सेल प्रोटीन इज वन ऑफ द अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन इज वन ऑफ द अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ प्रोटीन फॉर एनिमल एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन Microbes are being produced on a large scale as a good source of protein. In fact, mushrooms are being eaten as a food by most people. Hence, large- scale mushroom cultivation is a growing industry due to which, which it is now believed that microbes will become acceptable as a food. Microbes uh, that, that means spirulina contain protein, minerals, fats, Carbohydrate and vitamins in abundance. It is also reduces environmental pol pollution. Microbes like uh, methyl methylophilus, methylotrophus can produce up to 25 tons of proteins per day by increasing the growth and biomass production at a high rate. Second is soil. Biofertilizers are type of organisms that increase the nutritional quality of the soil. The main source of biofertilizers are bacteria, fungi, and cyanobacteria. Leguminous plant the nodules on the roots are formed by the symbiotic relationship of rhizobium. These bacteria fix atmospheric nitrogen and convert it into the organic form. Plants use it as nutrients. दे कैन ऑल्सो फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन द नाइट्रोजन कंटेंट इन द सोइल इंक्रीजेज नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेन्ज द फॉलोइंग डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर इम्पोर्टेंस फॉर ह्यूमन वेलफेयर राइट योर आंसर विथ रीजन कीपिंग द इम्पोर्टेंट सबस्टांस फर्स्ट एंड ऑप्शन इज बायोगैस साइट्रिक एसिड पेनिसलिन एंड कर्ड इसका आंसर लिखिएगा द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सटांस इन द गि लिस्ट इन द पेनिस्िल बिकॉज इट इज वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन इट कैन क्योर मेनी डेडली डिजीज नेक्स्ट इन द लिस्ट इज बायोगैस बिकॉज इट इज़ ए सोर्स ऑफ फ्यूल नेक्स्ट इन द लिस्ट इज कॉड बिकॉज इट प्रोवाइड अस न्यूट्रिशन मिल्क प्रोडक्ट्स नेक्स्ट इन द लिस्ट एट द इंड कॉम्सिट्रिक एसिड विच इज यूज टू प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू फर्टिलाइजेश फर्टिलाइजर्स इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सोयल तो इसका आंसर लिखिएगा बायो फर्टिलाइजर्स आर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज़ विच इंक्रीज द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ द सोइल द मेन सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स आर फंजाई बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया दिज बैक्टीरिया स्टेबलाइज़ एटमोस्पेयरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इंटू द ऑर्गेनिक फॉर्म अदर बैक्टीरिया एजोरोल एंड एजेटोबैक्टर ऑल्सो फिक्स एटमोस्पेयरिक नाइट्रोजन साइनोबैक्टीरिया प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल एज बायो फर्टिलाइजर्स इन पैडी फील्ड ब्लू ग्रीन एलगी ऑल्सो इंक्रीज ऑर्गेनिक मैटर इन द सोइल दे आर बाय इंक्रीजिंग इट्स फर्टिलिटी तो हो गए पूरे के पूरे चैप्टर ते टेन का क्वेश्चन तो आप लोग इसको अच्छे से लिख के याद कर लीजिएगा बाय टेक केयर